हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली हेल्थ टिप्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शौच के समय दर्द और जलन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ होम रेमिडीज़ के बारे में, जिससे कि आप परमानेंटली इसका इलाज कर सकते हैं। जी हाँ, हाँ तो दोस्तों बताइए, क्या आपको भी मसालेदार ग्रिल चिकन और पानी की पूरी का स्वाद बेमिसाल लगता है? हाँ, सभी को लगता है, लेकिन इसके खाने के बाद जो होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, मसालेदार खाद्य पदार्थ में ना गर्मी पैदा करने वाले यौगिक को आपका शरीर आसानी से अवशोषित नहीं कर पाता है और ये आपके शरीर के भीतर घूमते रहते हैं। यही वजह है कि ना आपके स्टूल या शौच में भी मसाले के कण होते हैं और इनका प्रभाव ना दोस्तों खाने के टाइम में आपके मुंह में और शौच के टाइम में रेक्टम में भी तीखा ही रहता है। जी हाँ, यही वजह है कि तब आप सुबह सुबह फ्रेश होने जाएं, मल निकालने के साथ ही गूदा द्वार मतलब रेक्टम में आपके तेज दर्द या जलन होने लगे, तो दोस्तों ये आपको एनल फिशर की प्रॉब्लम कहलाता है। अव्वल तो दोस्तों ये दर्द बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है और दूसरी बात ये कि ना इस दर्द से पूरा दिन खराब भी हो जाता है। रेक्टल पेन झेलना आसान नहीं होता है। तो आइए जानते हैं इस दर्द और जलन को दूर करने के लिए कुछ होम रेमिडीज के बारे में। सबसे पहले आप नारियल तेल का इस्तेमाल करें। अगर आपको गूदा मार्ग में जलन या दर्द महसूस हो रहा है तो ऐसे में आप गर्म पानी में बैठ सकते हैं। इसके बाद नारियल तेल को गूदा मार्ग के बाहर लगाएं। इसे लगाने के लिए आप कॉटन का उपयोग कीजिए। नारियल तेल में त्वचा को ठीक करने के गुण होते हैं, साथ ही इसके उपयोग से आपको मल त्याग करते समय प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से मल फिसल के बाहर आ जाता है। नेक्स्ट, आप एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए। हाँ दोस्तों, देखिए रेक्टम में ना एलोवेरा लगाकर भी जलन से राहत पाई जा सकती है। इसके लिए आप रेक्टम में ना कॉटन की हेल्प से एलोवेरा जेल को लगा लीजिए। लगातार आप दिन में 2 से 3 बार इस उपाय को कीजिए। अगर आपको वहाँ पे पक गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा और साथ ही नेक्स्ट टाइम आपको शौच करने के टाइम पे जो दर्द और जलन है वो नहीं होगी, ठीक है। और हाँ, आप खूब सारा पानी पीजिए। पानी पीने से ना शरीर हाइड्रेटेड रहता है। पानी की वजह से शरीर में बनने वाला जो मल है वो नर्म रहता है, जिसकी वजह से बिना किसी तकलीफ के आपको शौच आ जाता है और जो जलन और दर्द है वो नहीं होती है, ठीक है। तो आप पहले से ही खूब सारा पानी पी लीजिए। आप खीरा या तरबूज भी खा सकते हैं। हाँ दोस्तों, खीरा और तरबूज से बिना जो आपके पेट में एसिडिटी है उसका उपचार तो होता ही है और पेट और साथ ही जो आपको रेक्टम के पास में जलन दर्द है वो भी दूर होता है। खीरे और तरबूज में 80% से ज़्यादा पानी होता है, जो शरीर में पानी की कमी को दूर करके जो आपके पेट की समस्याएं हैं उससे राहत दिलाता है और रेक्टम में होने वाले जलन को भी दूर कर देता है। आप किशमिश का पानी पीजिए। देखिए, रात को सोते समय ना 10 ग्राम किशमिश को पानी में भिगो कर रख देना है, फिर सुबह उठकर आप इसका सेवन करें। जलन और दर्द में आपको आराम मिलेगा। आप संतरे का जूस पीजिए। दोस्तों, संतरे का जूस जो है ना पेट में जलन, जी मिचलाना, उल्टी और साथ ही रेक्टम में होने वाले जो भी जलन और दर्द की प्रॉब्लम है उसके उपचार के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका उपयोग जो है एसिडिटी के आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खों के तौर पर होता है, इसीलिए खाने के बाद में आप 1 गिलास संतरे का जूस पीजिए। इससे आपके पेट की जलन और रेक्टम में होने वाली जलन और दर्द से राहत मिलती है और सुबह में आपको बिना कोई तकलीफ के मल आ जाता है। संतरे का जूस पीजिए और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाएं।